वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत नान पराठा स्पेशल वीक का। आज आ गए हैं हम डे थर्ड पर। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे और एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर दिन वैरायटी ऑफ रेसिपीज आपको मिल रही हैं, कभी नान कभी पराठा कभी दोनों एक साथ। यहाँ पर काउंटर ही इतना सजा हुआ है ढेर सारे इन्ग्रीडियंट्स के साथ, यानी कि अब आप बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो आगे क्या होना है, आज क्या रेसिपीज़ होंगी? कुछ लोग कहते हैं ना कि जी हम तो खाने के लिए जीते हैं, और कुछ कहते हैं जी जीना है इसलिए खा रहे हैं। तो यानी दोनों सूरतों में अगर खाना खाना है तो क्यों ना अच्छा बनाएं, ऐसा बनाएं कि घर वाले भी खुश तो बच्चे भी खुश, क्योंकि टेंशन हमें घर वालों की ही होती है कि जी वो लोग अच्छे से खा लें। तो ये वीक के अंदर आपको इतनी मज़े की रेसिपीज़ मिल रही है कि नाम शो के आप लोग जब बनाएंगे तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आज की वो क्या है वो ख़ास रेसिपीज वो जानते हैं, उनके लिए चलते हैं जी आपा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, मैं ठीक हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। मैं भी बहुत एक्साइटेड चल रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें करना, है ना? तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, मैं तो हर दिन जो है ना बस रात तक भी मेरे माइंड में चल रहा होता है, अरे आज अब क्या बनाएंगी आप मज़े की रेसिपीज में। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तमाम लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। जी बताइए कि आपको कैसी लग रही है हमारी तमाम चीज़ें? डेफिनेटली अच्छी लग रही होंगी, और अगर नहीं भी लग रही तो फिर भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें दोनों तरह का फीडबैक चाहिए होता है ताकि हम अपने प्रोग्राम को अपनी चीज़ों को और बहुत अच्छा और बहुत इम्प्रूव कर सकें इंशाल्लाह ताला। आज हम आपको बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें बनाएंगे, बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है जिसको आपने पूरा कम्प्लीट अपने घर में भी बनाना है। बहुत लोगों की शिकायत थी कि जी, बहुत लोग मुझसे कह भी रहे थे कि ये जनाब हमारे पास तो ओवन नहीं है, अब हम क्या करें, किस तरह से हम नान बनाएं। आज मैंने सोचा कि हम ऐसा वाला नान रखते हैं जो कि हम बना सकते हैं बहुत आराम से तवे पे। अरे तो आज हम बनाएंगे नान ब्रेड बनाएंगे, उसके साथ चनों की एक तरकारी बनाएंगे, ठीक है, और उसके साथ बनाएंगे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त से रेशा कबाब बनाएंगे, और बनेगी एक बहुत ही शानदार सी पीनट सिलान्ट्रो चटनी। यानी कि सिलान्ट्रो क्या है, यानी हरे धनिया के साथ पीनट्स यानी मूंगफली को मिला के किस तरह से चटनी बन सकती है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। देखिए, मैं हमेशा आपको, कोशिश मेरी होती है कि आपको कंप्लीट मील दिखाऊं, ताकि जब आपने सोचा कि आज जो है मुझे कबाब, मुझे नान की रेसिपी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो आप पेपर निकालें या आपने जहाँ लिखा हुआ है तो वहाँ चीज़ें आपके पास कंप्लीट मिले। अब आपको समझ में जी ये भी समझ में आना ज़रूरी होता है ना कि भाई हमने ये नान बनाए हैं या मैंने ये राइस बनाए, तो उसके साथ मैं कौन सी चटनी, कौन सा रायता, कौन से कबाब बनाऊं, तो ये मील हमारा कंप्लीट होगा। तो कोशिश पूरी करते हैं, आपके सब तक आपको चीज़ें समझ आती हैं ये हमें आप ज़रूर बताइएगा। तो आज हम करेंगे जल्दी से स्टार्ट अपनी दोनों डिशेज़ को। सबसे पहले मैं नान के डो के बारे में आपको बताऊँगी और फिर हम चलेंगे बाकी की चीज़ों की तरफ, ठीक है? ऑल राइट। तो ये डो जो हमने डे वन नान बनाए थे या डे टू बनाए थे, उस डो से डिफरेंट है? थोड़ा सा डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है थोड़ा सा। और okay. इसका डिफरेंट ये है कि जनाब कि हमने इसको बनाना है किसके ऊपर, हमने तवे के ऊपर बनाना है, ठीक है? तो निकाल अच्छा। लेते हैं यहाँ से जो पहले हमने से बना के रखा हुआ है। देखिए ये मुझे पहले ही बनाना है। अच्छा, जैसे कि नान के डो जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई आपको आपको डो को फुलाना नहीं है, मीडियम रहेगा और उसके बाद ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा कर देंगे तो उसको वो आपको टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। अब आप देखिए बिल्कुल मीडियम है, जबकि मैंने ये 3 कप मैदा लिया था, 3 कप मेरे पास यहाँ पे मैदा था, 1 टेबल स्पून मैंने लेवल इंस्टेंट ईस्ट जो आपको ईजिली मार्केट में मिल जाता है, चलिए इंशाल्लाह मैं कल आपको दिखा भी दूँगी। सशे फॉर्म में भी आता है और बॉटल में भी आता है, दोनों तरह बड़ा पैक भी आता है, तो आप जो लेना चाहते हैं लें, और जब भी आप उसको लेंगे तो आपने उसकी एक्सपायरी चेक करनी है। दूसरी बात ये, लेने के बाद जब आप उसको खोल लेंगे तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, लेकिन जब आपको यूज़ करना है तो आपने उसको रूम टेम्परेचर पर लाकर उसको यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप खमीर की एक ख़ास बात यह है कि ना गर्म बहुत ज़्यादा पानी डाला जाए ना बहुत ठंडा, दोनों सूरतों में क्या होता है कि वो उसकी एफिशिएंसी किल हो जाती है और वो राइज नहीं हो पाता, यानी हल्का सा नीम गर्म बहुत की बता आपको हल्का यूं टच करें तो आपको फील हो कि भाई हाँ ये रूम टेम्परेचर के करीब है, ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तब चलेगा, सही है? अच्छा, इंस्टेंट ईस्ट को आप ऐसे ही डाल के डो बना सकते हैं, आप इसको अलग से भी पहले राइस करके डो बना सकते हैं, लेकिन यह काम हम पिज़्ज़ा के लिए करते हैं, तो पिज़्ज़ा के लिए करें अलग से आपको राइस करना होगा, लेकिन इसमें मैं तमाम चीज़ें मिक्स करती हूँ और उसके बाद इसको गूंद लेती हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने जितने भी डो बनाए उसमें हर डो में मैंने दही का इस्तेमाल किया है,
क्यों किया है कि दही का इस्तेमाल जब उसके साथ, यानी अगर आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जैसे कल हमने ईस्ट नहीं शामिल किया था, एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, टेस्ट भी अच्छा होता है और एक जिसे कहते हैं ना हल्का सा उसमें एक रिचनेस आ जाती है आपके नान में या पराठे में, तो बेहतरीन रहता है। पूरी हम बनाते हैं, लोगों को शिकवा होता है कि जी पूरियाँ फूलती नहीं है। हाँ, मुंह में लोग यही बात करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा दही शामिल करते हैं तो पूरियाँ बहुत अच्छी फूलेंगी आपकी। अच्छा, बिल्कुल जनाब। ठीक है जी, तो आ जाते हैं दोबारा से डो की तरफ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेवल खमीर डाला था, इसके अलावा हमने 1/2 कप दही था, 1 टीस्पून इसमें शुगर थी, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था और 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है, क्या चीज़, आपने इसमें तेल शामिल करना, नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है। आप इसको गूंदें, गूंदने के बाद आप इसको क्लिंग रैप लगाएं या किसी बॉक्स में बंद करें और रख दीजिए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे में ये इस तरह से हो जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे तैयार है, आज इसके मैं तवे पे ही नान बनाऊंगी, तो आप देखिएगा किस तरह से बनेंगे। इसको दोबारा से आप रख दें, दोबारा से रख दें, बिल्कुल। ब्रेक हम लेंगे, लेकिन पहले हम ब्रेक से पहले हम अब बता देते हैं एक और चीज़। अच्छा अच्छा, ये पहले बताएं खास यहाँ पर छुपा के रखने का रीज़न क्या है। हाँ, इसमें ताकि थोड़ी सी हीट मिलती रहे, वो ऑन नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि यहाँ आपको पता है बहुत ही ठंडा माहौल होता है। हाँ, तो वहाँ अंदर हम इसीलिए रखते हैं। ओके। अच्छा, चनों की जो हम तरकारी बनाएंगे उसका हमारे पास, मैं काफ़ी बाद में बताऊँगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसका एक ड्राई मसाला बनता है। अब उस ड्राई मसाले में क्या क्या डलता है देखें जी, मैं बताती हूँ आपको। ये है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है, ठीक है ना। ये क्या, ये कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, ये हमने शामिल कर ली इसके अंदर। इसके अलावा ये खटाई पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर है। इसके अलावा हमने शामिल किया इसके अंदर, ये मेरे पास मौजूद है, कसूरी मेथी। अब कसूरी मेथी ये मुझे ज़्यादा लग रही है, मैं इसमें थोड़ा सा कम डालूंगी। okay. तकरीबन 1 टीस्पून लेवल जाएगी। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अनारदाना, कुटा हुआ अनारदाना, वो भी इसके अंदर चला गया। और डालेंगे इसमें हम नमक तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। और इसको मैं थोड़ा सा सिर्फ मैं आपके सामने करती हूँ ताकि आप देख सकें, और इसको हम ग्राइंड कर लें, मिक्स करना है हमें। ये बेहतरीन सा हमारा चना मसाला जो है वो तैयार हो गया। लेकिन ये इतना ख़तरनाक किस्म का ग्राइंडर है कि हर चीज़ से बहुत जल्दी पिस जाती है। ये देखें जी, ये इस फॉर्म में है ना, मतलब हमें ऐसा ही चाहिए, ज़्यादा पिसा भी नहीं, थोड़ा बहुत दरदरा भी चाहिए, बिल्कुल ना। ये हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, अब ब्रेक आ गया, ब्रेक का टाइम, बिल्कुल ठीक है। फिर पूछते हैं, मसाला तो बड़ा अच्छा है, खुशबू एकदम से आ गई, मसाला जैसे ही पीसा है, फिर आगे क्या हो रहा है वो आप लोगों को बताएंगे। आज वो तमाम लोग हो जाए तैयार जो होते हैं परेशान के ओवन नहीं है और नान नहीं बन सकता, तो जी ना हो परेशान, क्योंकि आज तवे पे बना रही हैं आपा, और पूछ लेंगे बाकी और नान भी क्या इसी तरह से तवे पे बन सकते हैं, जानेंगे डिटेल में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, हम वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सा जो है चना तरकारी का जो मसाला है वो तैयार हुआ है। अब आते हैं आगे कि आगे हमें क्या करना है। अच्छा, अब हमें आगे चने बॉईल करने हैं। अब चने बॉईल करने, अब देखिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा आपको ना, इसकी वजह क्या है कि आपने देखा होगा कि यहाँ रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि चने हमें बॉईल करते वक्त 3 टी बैग डालने हैं, इसके अलावा छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी एक टुकड़ा डाल के हमें इसको बॉईल करना, थोड़ा सा डार्क कलर। टी बैग, टी बैग से ही कलर है, ये देखें, ये कलर जो आया है ना कि टी बैग की वजह से है, कि टी बैग आप बंद डाल दीजिए इसमें बॉईल करते वक्त, तो ज़रा कलर अच्छा सा आ जाए। ग्रीन टी का डालें कि नॉर्मल टी का डालें? नहीं नहीं, ग्रीन टी का नहीं डालना आपने, रेगुलर टी का कलर देना है, तो इसलिए आपने रेगुलर टी का डाला। ओके, अच्छा जी, अब हम यहाँ इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास ये गया जनाब थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 4 टेबल स्पून, और इसको हम प्याज को हल्का फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें। वैसे ना मेरे पास क्योंकि एकदम से नई चीज़ सुनने को मिली मुझे कि टी बैग डाल दें बॉईल करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए ये रेसिपी, इसका नाम ऐसे जैसे कि हम लिखा हुआ ना कि चने की तरकारी, पिंडी चना मसाला है एक्चुअली ये, तो उसकी रेसिपी में है ये बात, और वो मेरा ख्याल है आप कहीं पर भी देखें, चाहे आप इंडियन मसालों में देखें, कहीं पर भी देखें, उसमें टी बैग का, टी बैग का इस्तेमाल चनों में इसलिए किया जाता है कि ज़रा उसका कलर डार्क आता है, वरना अमूमन कलर थोड़ा सा वाइटिश होता है, तो उसकी तरकारी बनाने के लिए जब हम चने बॉईल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डार्क कलर देने के लिए टी बैग का। ये आप एक नहीं कोई 20 रेसिपी आप पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आपको नहीं पसंद तो टी बैग कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ऑफ कोर्स है ना। हाँ, तो चाय है,
चाय की, चाय तो पीते हैं, पत्ती का इस्तेमाल नहीं, नहीं लेकिन चाय का फ्लेवर तो नहीं है ना इसके। नहीं नहीं हल्का सा फ्लेवर। अरे मैं मजाक कर रही हूं, मैं ऐसी तंग कर रही थी। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सही था, मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन ये मजाक था। अच्छा ये मजाक था, चले अच्छा था, कोई बात नहीं, अच्छा मजाक था। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, ये हो रहा है, जैसे हल्का सा ये थोड़ा सा और हो जाएगा, कलर आएगा इस पर, तो मैं ये इसके अंदर चने शामिल करूँगी। नहीं चने नहीं, सॉरी, मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ये मेरे पास रखा हुआ है, ये डालूँगी। इसके अलावा चना मसाला, हाफ अ क्वांटिटी चना मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए कुक करेंगे चना डालने के बाद, और जब हम निकालेंगे, और निकालने के बाद इसका एक बघार भी है, यानी तड़का भी है। इसके लिए जी जी, इसमें है हरी मिर्चें हैं, अदरक है, और ये मोटे कटे हुए टमाटर हैं। इसका हम इस पर तड़का लगाएंगे। 2 टेबलस्पून तेल ले लेंगे, 2 से 3, उसमें हम घी ले लेंगे, हरी मिर्च, इसके अलावा टमाटर और ये अदरक डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, चनों पे डाल देंगे, तो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर निकल कर आएगा, तो आप देखिएगा। सही जी, ये यहाँ पर ऑलमोस्ट हो गया है, मुझे इससे ज़्यादा ना कलर चाहिए, ना देना है, ना देना है, ठीक है, ये हो गया। अब हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। ओके, क्योंकि इस थोड़ा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। चलो जी, ये ले लें हम जब तक, बिल्कुल थोड़ा सा अदर समय डाल लूँ, ये गया। ओके, इसके बाद हम इसमें डालेंगे चना मसाला, तकरीबन 2 या 3 टीस्पून चला गया, ये वो मसाला जो भी हमने अभी ग्राइंड किया था। ओके, इसके बाद भी मुझे इसमें से थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, ज़रा सा धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी ये 1/4 टीस्पून, ठीक है, ये चली गई, ये चली गई। अब मैं मसाले को थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, ये देखेगी, वेरी गुड। अच्छा, इतना अच्छा सा मसाला, बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हुई, और अब मैं क्या करूँ, ये चने इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है जी। बस ये चले चने इसके अंदर, आधा कप पानी डालेंगे, इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ऑल राइट, ठीक है जी, तो पानी डालिए, पकने के लिए रखिए। हम कॉलर लेते हैं, वो हैं जी हिना फ्रॉम डीजी खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अदील बाजी? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। कल आपकी विश है, मैं अरुषा की सिस्टर हूँ, कल आपने जो विश किया है बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, आपने कहा था तो फिर तो भाई जी फर्ज बनता है। ठीक है, आपा से आपा ठीक है जी जी, बिल्कुल। आज क्या बना रही है? आज क्या बना रही है? अरे आप देख क्यों नहीं देख रही? लाइट चेंज हमारी आए, ओ आए। लेकिन फिर आप रिपीट में देखिएगा, क्योंकि आपकी किसी की शिकायत अगर हो ना कि जी हमने तवे पे नान बनते नहीं देखे, तो फिर आप जो है ना मिस करेंगे इसको, तो बिल्कुल आप देखिएगा कि तवे पे नान कैसे बनेंगे। और क्या कहना चाहेंगी बताइए? आज बन क्या रहा है वैसे, ये बता दें। अच्छा, हाँ, बन क्या रहा है? हाँ, अच्छा, आज चनों की तरकारी बन रही है, नान ब्रेड बन रही है, पीनट सलांतर चटनी है, इसके अलावा रेशा कबाब है, भरपूर है जी, मजेदार जी। कल को फिर ट्राई करेंगे, फिर बनाएंगे, बिल्कुल जरूर बनाते हैं। चले, गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया जनाब, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं हम रेशा कबाब की तरफ। रेशा कबाब के इंग्रेडिएंट मैं आपको पहले बताती हूँ, साथ साथ डालते भी जाते हैं। इसके लिए मेरे पास ये देखें, रेशा की अवध चिकन, ठीक है। अच्छा, ये आप बीफ पे भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन मेरे पास ये चिकन है। बीफ के लिए क्या करें? बीफ के लिए भी, बीफ को अच्छा बॉयल करें, रेशा कर लें। अच्छा, बस वही करना, बिल्कुल बिल्कुल वही करना। ये 2 अदद आलू थे मेरे पास, ठीक है। चिकन में आपने कुछ नहीं डाला? नमक डाल के बॉईल किए, बस सिर्फ नमक डाल के बॉईल किए, आलू डाले, आलू बाइंडिंग के लिए, ठीक है। अब पहले मैं काम करती हूँ, इसमें डालते हैं थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्च, मैं दोनों डाल रही हूँ, लेकिन यहाँ है बहुत सारी ग्रीन चिलीज, यानी हरी मिर्चें, इसके अलावा हरी ग्रीन चिली पेस्ट, चटनी भी, ये भी जाएगा इसके अंदर, ये चला गया। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और जाएगा ब्रेड क्रम्ब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून भर के, अंडा जाएगा इसमें, अंडा भी मैं नहीं डाल रही, अंडे का मैं ज़रा मिक्स कर लूँ फिर डालूँगी। हरा धनिया गया तकरीबन इसमें 1/2 गड्डी डाल दीजिएगा, प्याज ज़रा ये ज़्यादा है, छोटे साइज़ की प्याज आपने डाल दी, ठीक है। नमक डाला था मैंने? नमक नहीं डाला मेरा ख्याल, नहीं मैंने नमक नहीं डाला। अच्छा, वैसे तो चिकन में नमक है, लेकिन मुझे डालना है इस मसाले और आलू के लिहाज से। ओके, ये क्या इसमें नमक। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मैं हाथ से इसको मिक्स करती हूँ, ठीक है जी। हाथ से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब बाकी डाल सकते हैं अंडा, तो ये डालेंगे अंडा 1 अदद,
ये क्या अंडा, इसको मैं मिक्स करती हूँ और मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि जो ब्रेड क्रम इसके अंदर पड़े हुए हैं ना वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। मैं इसको मिक्स करूँगी, छोटे छोटे कबाब बनाएंगे, फ्राई करेंगे और ज़बरदस्त से इस नान ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। जी, नान ब्रेड का इंतज़ार होगा बेसब्री से, जैसे मुझे भी है कि वो कैसे बन रही है नान और ब्रेड, कुछ क्या है इसका कॉम्बिनेशन, किस तरह से बना रही हैं, क्या है उसमें फिलिंग, जी वो तमाम डिटेल जानेंगे। अभी यहाँ पर रेशा कबाब बन रहे हैं वो भी जानना है, चने हैं यहाँ, उफ भरपूर चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल बहुत सारी है जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक और यहाँ पर ढेर सारे कबाब मुझे लग रहा है तैयार होंगे, यानी कि ये जितनी चीजें आप अगर सारी चीजें मिक्स करते हैं तो काफी लोगों की सर्विंग काफी लगती है ना, सारे लोगों की माशाल्लाह से। देखें तो आप ये देखें, अभी मैंने थोड़े अभी से बनाए हैं, अभी ये बाकी है, ठीक है, तो ये भी ऐसा करेंगे हम ब्रेक में बना लेंगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और आ जाते हैं पीनट सिलान्ट्रो चटनी। वो क्या है ये हम आपको बता, नाम बड़ा मजे का इसका ना, है ना। अच्छा जी, चटनी इसमें हम डालेंगे तेल, चटनी बन रही है तो डलेगा तेल तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है, और तेरे की तो मैंने ज़्यादा डाल दिया, उसको ट्रांसफर कर लें किसी चीज़ में अगर कम करना है। नहीं ठीक है चलेगा, क्योंकि अभी हमें फ्राइंग पैन भी चाहिए ना। नहीं नहीं चल जाएगा, चल जाएगा इंशाल्लाह। चलो जी ये हो गया। अच्छा इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, ये है मूँगफली मेरे पास, आधा कप मूँगफली, आप कच्ची जो मूँगफली थी वो भी ले सकते हैं, पकी हुई भी ले सकते हैं, उसको आपको फ्राई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फ्राइंग से इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये गई मूँगफली आधा कप, इसके अलावा हरी मिर्चें ये गई इसमें तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें, और डालेंगे हम इसके अंदर ज़ीरा, ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, लेकिन थोड़ा सा इसको हम हल्का सा, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनती है। इसके और क्या क्या इन्ग्रीडियंट है ये भी हम आपको साथ साथ बताएँ। फ्राई होने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन नट्स फ्राई करते वक्त ख्याल रखना है वो एकदम से तेज़ी के साथ हो जाते हैं, हमें काला नहीं करना है इसको, ठीक है जी। ये हो रहा है और मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून, ये शामिल कर दिया मैंने इसमें ज़ीरा, हल्का सा अच्छा खुशबू आना शुरू हो गई इसमें से हरी मिर्चों की, और ये देखिए हल्का सा इस पर कलर आना शुरू हो गया और हल्के से चल भी रहे ज़ीरा, ये बंद कर दिया, ठीक है ना, बंद कर दिया, बस इसी इस पर थोड़ा बस इतना करना है, इतना करना है मुझे, ठीक है। अच्छा वैसे तो आप इसको ज़रूर ठंडा कीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको फौरी तौर पर डाल दूँगी, इसकी वजह कि मुझे चटनी बनानी है। अच्छा इसके लिए हरा धनिया सिलान्ट्रो यानी हरा धनिया कोरिएंडर भी कहते हैं और उसके अलावा सिलान्ट्रो भी कहा जाता है, ये गया तकरीबन आधी गड्ढी, वो चला गया, साबुत लाल मिर्चें 4-5 ये चली गई, हींग मेरे पास ये मौजूद है तो थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग, और डालेंगे इसमें ये इमली का पल्प तकरीबन 2-3 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा, या जितना आपको खट्टा पसंद है, खट्टा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। नमक जायके के मुताबिक, ये चला गया इसके अंदर। इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा ये है ब्राउन शुगर या गुड़ का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं खासी इसमें हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया। अब ये तेल समेत ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना, ये गई हरी मिर्चें, सॉरी ज़ीरा, सारी चीज़ें। वैसे तो मैं गर्म है, आप हरगिज़ मत घर में ही काम कीजिएगा, इस मैंने थोड़ा सा गलत काम किया लेकिन आप मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम को बचाया, टाइम को मैंने जहर है बिल्कुल। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ओके, ये क्या इसमें पानी, मैं वैसे ही सोच रही बड़ी मज़े की होगी, है ना, थोड़ा सा पानी, अच्छा जरूरत होगी तो हम इसे पानी और डाल देंगे, अच्छा ही ब्लेंड करना होगा हम तो, क्योंकि पीनट के अंदर ताकि वो अच्छे इसको अच्छा बड़ा अच्छा स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा उसमें, और हींग को भी ज़रा बैलेंस करते हुए डालिएगा क्योंकि ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है हींग का, ज़्यादा ज़रा सी भी चली गई तो वो बड़ा तेज़ हो जाएगा, लेकिन आई एम श्योर कि ये बड़ी मज़े की होगी, तो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आप सर्व कर, बहुत सारी चीज़ें आप इसको बना के थोड़ा दिन रख सकते हैं फ्रिज में। ये देखिए दो हरा धनिया पड़ा ना, 2-3 दिन से ज़्यादा मत रखिएगा इसको, अच्छा ठीक है। ये हो गई चटनी हमारी तैयार, मैं इसको अभी निकाल नहीं रही, एक सेकेंड, तो ये थोड़ा सा टाइट है, चलें खुल गया, ये खुल गया, ये हमारी चटनी जो है मैं इसका आपको
टेक्सचर चेंज करा दिखा देती है, ये देखिए जी कलर भी चेक कराती है, देखिए कितना कोई बेहतरीन इसका कलर आया। इसको हम अभी निकालेंगे बोल के अंदर, कोई अच्छी ब्लेंड फिर क्या करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा भी हम कुछ करेंगे इसके साथ। उफ बड़े जी भाई, हाँ जी बड़े सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे। अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म करेंगे। इसमें ये माश की दाल, बेहतरीन तड़का है ये, माश की दाल डालेंगे 1/2 टीस्पून। अरे राई डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। क्रैक कर जाएगी, इसके अंदर चटनी के ऊपर हम इसमें डाल देंगे उसको हम सर्व करेंगे। अरे वाह, मैं इतनी देर से समझी तिल है वो, नहीं नहीं माश की दाल है वो, और सोचे माश की दाल का तड़का लग रहा है। अब पता है आपको इंडियन माश की दाल पे लगाते हैं, नहीं माश की दाल का तड़का जो है अमूमन इंडियन खानों में हम देखते हैं, आप चटनियाँ देखें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर लगाया जाता है तड़का इस चीज़ का, यानी माश की दाल चने की दाल का लगाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं ज़रा सा इधर देख लेते हैं, वो ये हमने चूल्हा ज़रा सा ज़्यादा ही हल्का कर दिया, नहीं ऑन तो था मैंने देखा था लेकिन स्लो हीट है, स्लो हीट है। चलें जी, अब मैं इसको थोड़ा सा मीडियम हीट पे, अभी ये तो बिल्कुल पका नहीं है, ठीक है इसको अभी पकाना है हमें, ठीक है। इसका बड़ा अच्छा टेक्सचर आ रहा है, इसको हम पकने देते हैं। कबाब हमारे यहाँ हो चुके हैं और आ जाते हैं जनाब अब हम पराठे, चलें नान की तरफ। चलें ठीक है सही, नान की तरफ आ रहे हैं ना, नान की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमें ब्रेक लेना है, तो क्या करें आपका कुछ बताया नहीं अपने, नहीं नहीं मैं ब्रेक ले, वो तो मैंने सब बता दिया ना, तो मैं यहाँ बनाना शुरू कर देती हूँ, आप ब्रेक लेके वापस आई। चलें जी कोई बात नहीं, तो हम ब्रेक ले लेते हैं, कुछ भी डिटेल हुई तो वो हम शेयर करेंगे, ऑफकोर्स क्योंकि नान तो हमने जानना ही जानना है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, नहीं होने देंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, और जी यहाँ पर बड़े मज़ेदार से जो है कबाब हो रहे हैं फ्राई, ये हैं रेशा कबाब बेहतरीन से, अब बस इनको कलर आना है, बिल्कुल कलर आ जाएगा इतना, जैसे कि इस पे कलर आया हुआ है, ठीक है। जैसे आ जाएगा मैं इसको निकालूंगी और निकालने के बाद हम सर्व करेंगे। यहाँ पर मैं बनाना शुरू करने जा रही हूँ, यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी जनाब नान ब्रेड। इसके लिए सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, आपने पेड़ा बनाना है, पेड़ा बनाने के बाद आपने इसको, अच्छा जी बेलन है नज़र आ रहा है आपको, बेलन एक तो आपका स्टाइलिश वाला नज़र आ रहा है, नहीं मुझे तो सादा सा चाहिए, है, है, है। लेकिन ये आपको पसंद है ये वाला, फिक्स होना चाहिए, नहीं फिक्स वाला नहीं है, फिक्स वाला चाहिए, चलेगा कोई बात नहीं, बच्चे ले आएंगे अभी। एक काम करते हैं बाय द टाइम हम अपना ये भी काम कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है जी। और ये भी ऑलमोस्ट हो गया, अच्छा इसको मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ क्योंकि ये हो चुका है, सही है, ठीक है जी। अच्छा स्पैचुला, किसको टाइम नहीं लगेगा, नान को टाइम नहीं लगना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, तो फटाफट जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से। अच्छा साथ साथ एक और चीज़ बताएं, जो हमारे पहले के जो नान हैं वो भी सेम इसी स्टाइल की तरह तवे पे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, थोड़ा सा अब जब अवन नहीं है तो फिर बिल्कुल गुजारा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ये देखेंगे, ये थोड़ा सा अच्छी जी, हाँ जी ये देखें, अब आपने देखा कि इसके अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ डाली नहीं है, इसमें ऊपर से नहीं लगाई, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत आराम से हमारे कबाब जो है ये फ्राई हो रहा है, हालांकि आपने अंदर ही अंडा डाला, अंदर ही क्रम्सी डाले, सब चीज़ें अंदर डाली थी ना, ये वो कबाब हैं कि आपने सारी चीज़ें एक साथ डाली, बस क्विक कर लें, क्विक कर लें है ना, बहुत आराम से बन जाते हैं, कोई मसला नहीं, तो थोड़ा समय बेसब्री से बेलन का इंतज़ार कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ जाता है, आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा जी ठीक है जी, हाँ ताकि हम इसी ब्रेक में इसको बेल लें, बेलना शुरू कर दें। दूसरा वाला यहाँ पर वो वाला है, फिक्स वाला दे दें, हाँ फिक्स वाला, एक्चुअली मैं मुझसे होता नहीं है इससे ना, और वैसे भी मैं एक बात बताऊँ, वो हम लोगों ने बना लिया है लेकिन वो फिक्स वाला होता ही इसी, तो अरे नहीं 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 सॉरी मैंने नहीं देखा, है एक और भी है। अच्छा चले चले जी, ये हो रहे हैं, और ये थोड़ा सा मैं इसको इधर इससे वैसे कर रही हूँ कि ज़रा चूल्हा हमारा तेज़ है, ये देखिए, ये देख कितना अच्छा सा बेहतरीन कलर आ रहा है इसका, और मैं इनको बस निकाल लें, आप निकालें हम कॉलर से बात कर लेते हैं। फौजिया जी हमारे साथ, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या थी आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक खैरियत से हैं, बात कीजिए। अबील बात कर रही हैं जी, अबील बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप, ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, बहुत बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि मेरी कॉल मिल जाए, नहीं मिल रही थी और आज मिल रही है भाई जी,
तो बस किस्मत की बात होती है, कभी कभी कॉल लगती है, तो मैं बड़ा अच्छा लगता है, आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी होस्टिंग करती हैं, और आपा ज्यादा का शो मैं देखती थी, आप मुझे बहुत पसंद है, और आपा समीना तो मेरी फेवरेट है बस। अरे वाह जी, जी तो आपा की रेसिपी तो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, जो हम लोग, मैं बड़ी शौक से देखती हूँ आपा का शो, और बहुत आसान रेसिपी होती है, जो हमें घर से सब कुछ मिल जाता है। चले गुड, वेरी गुड, मैं चाहती भी यही हूँ कि जी, मैं आपके बिल्कुल 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 वही बात कर रही हूँ, कीजिए कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने आपके ना शो से विन किया था ना गिफ्ट, ना वो जो मुझे मिल गया, मार्च में मैंने विन किया था, अभी मिल गया तो मेरा, लेकिन शुक्र है मिल गया। चले गुड, वेरी गुड, तो बहुत जब हाथ में आया मेरी लाइफ चली गई थी, मैंने देखा नहीं था कि मैंने विन किया, और मुझे बहुत खुशी है, मुझे इंतजार थी, मैं कब से ले भी नहीं सकती थी, और आपकी तरफ से मुझे तोहफा मिल गया, ये वेरी गुड जनाब, मुझे तो बहुत जबरदस्त है कि आपको मिल गया, आप यकीन नहीं कर सकती मुझे कितनी खुशी हुई। चलिए अल्लाह ताला आपको बहुत हमेशा खुश और खुर्रम रखे, आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस इस तरह से हमने बनाने, अभी आपको मुझे जैसा हरा धनिया, और मुझे पास करना होगा क्या चीज़, मक्खन जी, ठीक है। इस तरह से आपने पतली रोटी की तरह बनाना है, लेकिन आप देखिए जब हम इस पर डालेंगे तो थोड़ा सा ये फूल जाएगा, और मुझे स्पून भी थोड़ा सा चाहिए होगा ना, टेबल, हाँ कोई सा भी दे दीजिए। ओ चल, ये मैं डाल देती हूँ, ठीक है, ये चला गया। इसी तरह से सिंपल हमने बनाते रहना है, ठीक है। थोड़ा सा ये मोटे हो जाएंगे, आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपने मोटा नहीं रखना, वरना क्या फूल के ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने दरमियाने रखने, ताकि नरमा नरम से होंगे और गर्मा गर्म होंगे, तो कितना मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। हाँ, नान अगर घर में ही बनने लग जाए तो क्यों जी बाज़ार से मंगाएं, बिल्कुल। तो खातून खाना की एक शामत भी है, वैसे ही इतनी ऊँची क्यों गई, इसका दिल चाह, अब तो बाहर से नान भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का था चूल्हा, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। ये अभी हम इसको कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ रखते हैं, और अच्छा इसको अभी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी तरह से आपने हल्का सा सेकना है। ये देखें, मैंने आपसे कहा था ना ये फूलना शुरू हो जाएगा, जी जी। तो ये फूलना शुरू हो गया, लेकिन चूंकि तवा हमारा सही गर्म नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा इसका कलर नहीं अभी आया, अभी आ जाएगा, फिक्र ना करें। ये आपने इस तरह से बनाना है, सही। अब मक्खन चाहे तो आप इसके ऊपर ऐसे ही लगा लें, या फिर आप इसको उतार के भी मक्खन लगा सकते हैं। मैं काम करती हूँ कि ज़रा सा इसके ऊपर ही लगा लेते हैं। ये देखें इस तरह से बनेंगे, नान ब्रेड है, नॉट एग्जैक्टली ये नान, ठीक है। हाँ, इसका ये स्टाइल थोड़ा ब्रेड स्टाइल है, ब्रेड स्टाइल है, जिसे हम बनाते हैं, लेकिन सॉफ्टनेस इसमें बहुत ज्यादा होगी, आप देखिएगा, ठीक है, ये हो गया। और इसका टेस्ट नान वाला होगा, नान वाला टेस्ट इसका, नान वाला, नान वाला होगा, क्योंकि इसका पूरी डो जो तैयार की गई है वो बिल्कुल नान वाली है। थोड़ा सा और कर लेती हूँ, ये देखिए इसी तरह से होगी, और हम पलटते, और पलटने के बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया, स्प्रिंकल करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मुझे सारे बनाने, अच्छा वैसे सिंपल है ये भी, बहुत सिंपल है। सही आपने कहा, इतनी पतली आपने बेली है रोटी, लेकिन वो वाकई थोड़ी सी मोटी हो जाती है। हाँ। तो ये नान ब्रेड इसीलिए कहलाती है कि ये देखिए नान का आपको मज़ा भी आएगा, और आपको ये नहीं होगा कि भाई नान पक्का नहीं, ये नहीं हुआ वो, बहुत सारी चीज़ होती है। पतला बनाइए, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सी नान ब्रेड जो है आपकी तैयार हो जाएगी। बस हमारे कबाब जो है, रेशा कबाब, वो भी तैयार है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें लगाना है तड़का, लगाना है चनों के ऊपर ना, ये देखिए आप देखें किस तरह से फूल रही है, और ये भी मैं आपको चेक करा देती हूँ, ये देखिए जी, अरे वाह, इसका कलर ये आना चाहिए, ये आएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन। इसको निकालूंगी और बस इसको मैं तड़का लगाऊंगी, इसको मैं कवर कर देती हूँ। पर ये देखा, ये देखिए, अब मेरा ख्याल है जिन लोगों को थोड़ी सी परेशानी थी कि जी हम कैसे बनाएं, ये देखें सेम ऐसे ही जैसे अवन में डालना है, बस आपने दोनों साइड से कलर देना, दोनों साइड से कलर देना है, ये देखिए। और इसका टेस्ट बिल्कुल नान वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा आप पतला बनाएंगे हम, ये वो नान है जो कि हमारे घर के बच्चे और बुजुर्ग जो कि नान चाहते हैं खाएं, हाँ। लेकिन नान क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्ड रोटी होता के कंपेयर में नहीं चबा सकते हैं, तो ये तो उन लोगों को दीजिए, नान का टेस्ट भी लेंगे, और वो जो एक है कि जी चीव करना मुश्किल है, लेकिन क्या सॉफ्टनेस है क्या, और टेस्ट एग्जैक्टली आपको वैसे ही मिलेगा, वैसे ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपकी इजाज़त, ब्रेक ले, बिल्कुल 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 ब्रेक लें, फिर मैं ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इसमें तड़का लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो तड़का लगाना अभी बाकी है, यहाँ पर नान पे नान तैयार कर रहे हैं, अब तंदूर की ज़रूरत नहीं और बाज़ार जाके नान लेने की ज़रूरत नहीं, एक से बढ़कर एक नान आप अपने घर पर बना सकते हैं। डिटेल देती जा रही हैं समीना आपा आपको, मज़ीद आज की रेसिपीज़ में क्या कुछ रह गया है, सिर्फ एक तड़का है, जानेंगे वो भी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चने की तरकारी। चने उबालने के लिए अजसा, उबले सफेद चने 2 कप, टी बैग्स 3 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, नमक हस्बे जायका, भुने मसाले के अजसा, तेल 1/2 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक मिर्च हल्दी धनिया हस्बे जरूरत, चना मसाले के खुश्क अजसा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, पिसी खटाई 1.5 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, कटा धनिया 1.5 चाय का चम्मच, भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, भगार के अजसा, घी 1/2 कप, चना मसाला 2 खाने के चम्मचे, मोटे कटे टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, बारीक कटी अदरक गार्निशिंग के लिए। तरकीब। सफ़ेद चने उबालने के तमाम अज्जा मिक्स करके इतनी देर उबालें कि चने गल जाएं। अब चने मसाले के खुश्क अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें, उसके बाद तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर भुने मसाले के तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें 1/2 कप पानी डालकर 15 मिनट पकाएं। भगार के लिए घी गर्म करके भगार के अज्जा फ्राई करें। अब इसमें चना मसाला डालकर मिला लें, फिर इसे चनों में शामिल करके मिक्स करें। आखिर में बारीक कटी अदरक से गार्निश करके सर्व कर दें। नान ब्रेड। अज्जा, मैदा 3 कप, खमीर 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, दही 1/2 कप, तेल 4 खाने के चम्मचे, चीनी 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, मक्खन ब्रश करने के लिए। तरकीब। हरा धनिया और मक्खन के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके नरम डो गूंध लें। अब इसके पेड़े बनाकर 15 मिनट ढककर रख दें, फिर इसे बेलकर तवे पर सेंकें और मक्खन से ब्रश कर लें। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। पीनट सलेंथ्रो चटनी। अज्जा, मूंगफली 1/2 कप, हरा धनिया 1/2 कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चम्मच, हींग 2 चुटकी, साबुत लाल मिर्च 3 से 4 अदद, इमली का गूदा 2 खाने के चम्मचे, तेल 1.5 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, गुड़ 1 खाने का चम्मच, माश की दाल 1/2 चाय का चम्मच, राई दाना 1/2 चाय का चम्मच। तरकीब। तेल गर्म करके इसमें मूंगफली फ्राई करें, फिर इसमें हरी मिर्च और सफ़ेद जीरा डालें और फ्राई करके ठंडा कर लें। अब इसमें हरा धनिया, नमक, गुड़, हींग, साबुत लाल मिर्च और इमली का गूदा मिक्स करके पीस लें। उसके बाद 1 खाने का चम्मच तेल गर्म करके राई दाना और माश की दाल फ्राई करें और चटनी पर डालकर सर्व कर दें। रेशा कबाब। अज्जा, चिकन रेशा की हुई 1.5 कप, उबले आलू 2 अदद, अंडा 1 अदद, चॉप हरा धनिया, हरी मिर्च 1/2 कप, कुटा धनिया, जीरा 1.5 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, चॉप प्याज 1 अदद, बड़ी ब्रेड क्रम्स 2 से 3 खाने के चम्मचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, तेल फ्राइंग के लिए, सलाद के पत्ते गार्निशिंग के लिए, खीरे गार्निशिंग के लिए, टमाटर गार्निशिंग के लिए। तरकीब। तेल और गार्निशिंग के तमाम अज्जा के अलावा तमाम अज्जा मिक्स कर लें, फिर इसके छोटे छोटे कबाब बना लें। अब तेल गर्म करके फ्राई कर लें और गार्निशिंग के अज्जा से गार्निश करके सर्व करें। नान ब्रेड। अज्जा, मैदा 3 कप, खमीर 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, दही 1/2 कप, तेल 4 खाने के चम्मचे, चीनी 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, मक्खन ब्रश करने के लिए। वेलकम बैक जी। यहाँ पर पहले आपको दिखाते हैं तड़का, जो कि है चटनी के लिए। उसके लिए माश की दाल, ठीक है ना, माश की दाल चलेगी। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, 1/2 टीस्पून डालना है। इसके बाद 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें, डाला हमने राई का, राई दाना। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ये हो गया, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। अच्छा सॉरी, इसके अंदर ये थोड़ा सा नहीं, अच्छा वो दूसरा बघार मैंने तैयार कर लिया था, तो वो मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह से हमने किया था। और ये गैस पे चटनी पे बघार, अरे वाह, बहुत ही, तो भी आपको दिखाते हैं, गजब की सजाई है। और फिर उस पर भगार है, एक चीज जो चनों पे क्या है, चनों पे क्या, वो आपको दिखा बता देते हैं। चने जी ये आ जाएगा यहाँ, बस और कुछ नहीं करना है, बस आ जाए जी। काउंटर से हम हो गए फ्री। अब आप टेबल मुलायजा फरमाएं, क्या हसीन टेबल सजाई है। अब एक एक को देखें डिटेल में, क्योंकि मन दिल जो है ना वो भरेगा नहीं एक चीज को देख। अच्छा जी, पहले इसका भगार बता दो। इसके भगार में हमने किया था, तेल गरम किया, उसके अंदर मैंने शामिल किया अदरक, और उसके अलावा जो हरी मिर्ची थी वो थी, इसके अलावा टमाटर थे, और वो जो मसाला हमने बना के रखा था वो उसके अंदर थोड़ा सा डाला, और हमने इसका बघार तैयार कर दिया। बेहतरीन सा था। और ये जो दूसरा वाला बघार है, तो आपने देख ही लिया कि हमने माश की दाल और राई के साथ बनाया था, और कटलेट्स हमारे रेशा कबाब जो हमारे फ्राई हो गए हमारे। आप देखें नान ब्रेड इंतहाई सॉफ्ट, मैं आपको चले आज मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये देखें
ये देखिए बहुत ही जबरदस्त। एक और चीज डिटेल में अगर आपको कैमरे से नजर आता है, इन्होंने जब तोड़ा है तो अंदर नान का उसका लुक है, लुक है। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कि आपको ऐसे लगे कि जी आपने सादी रोटी बनाई है, लेकिन अंदर चूंकि हमने इसमें खमीर ऐड किया था ना, तो उसका टेक्सचर भी आएगा और ये बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए रखी कि जिन लोगों के पास अवन नहीं है तो किस तरीके से बना सकते हैं, या अवन है भी तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा, आपके मेहमान बहुत खुश होंगे। नाम शो घर वाले भी खुश होंगे। पहले तो घर वाले डिमांड करते हैं, अरे भाई हमारे लिए तो बनाएं पहले, बाद में मेहमानों के लिए भी बनाइएगा। अच्छा, कबाब मैं ट्राई कर चुकी हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ, वाकई इसका रेशा कबाब नाम सही रखा है आपने। हालांकि उसके अंदर आलू भी गया है, लेकिन वो रेशा फील हो रहा है जो चिकन का आलू जो है ना, हमने किसी डाले आलू हमने बाइंडिंग के लिए डाला ताकि प्रॉपर बाइंड हो सके, क्योंकि स्मूथनेस आई है, स्मूथनेस आई, क्योंकि अगर मैं नहीं डालती ना तो वो इतने अच्छे बनते नहीं। और अंडा डाला, ब्रेड क्रम डाला, उससे क्या होता है एक बाइंडिंग आ गई और आपने देखा हमने कोई भी चीज़ नहीं लगाई लेकिन फ्राई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये ना। और चटनी मैं अच्छा ब्लेंडर में ही थी तो थोड़ा सा वाकई हम लोगों ने वाकई ऐसे ही चखा थोड़ा सा, तो मैंने कहा गजब की बनी है भाई, बहुत मजे की, क्या अच्छा टेस्ट है पीनट का, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स का मिलके उफ उफ बड़ा मजेदार है। और साथ ही मीठा, इसमें हल्की सी एक मिठास भी, चूँकि हमने गुड़ डाला था तो मिठास उसकी मामूली सी मिठास है, बट बहुत अमेजिंग है। आप एनहांस कर रही होती है सारे ना, उफ गजब का है। तो मुंह में पानी आ रहा होगा आई एम श्योर चीज़ें देख कर, और फिर एक के बाद एक मैं इनके बताती जा रही हूँ कि इसका टेस्ट ऐसा, इसका ऐसा है। बस ये चने ही मैंने ट्राई नहीं किए हैं, उन्हें आई एम श्योर कि ये भी बहुत ही गजब के होंगे। अच्छा जी, तो आई एम श्योर कि ये वीक तो बड़ा शानदार, ज़बरदस्त और एकदम आला कमाल का चल रहा होगा, जो कि आपको पसंद आ रहा होगा। कल भी हैं कुछ खास इसी तरह की ही रेसिपीज। बिल्कुल हाँ, जो कि नान और पराठे, हमने कल पराठे रखे हुए, आप देखिएगा कि पराठे के साथ एक बहुत ही अमेजिंग एक चटनी बनने जा रही है। और एक चीज़ मैं खुद अपनी तरह से बना के आपको बता दूंगी कि हमने यहाँ क्या चीज़ बनाई है, उसकी रेसिपी नहीं होगी लेकिन मैं आपको वर्बली बता दूँ। ओके, अच्छा साथ साथ एक और चीज़ भी सीखा करें, मैं जो देखती जा रही हूँ, खाने तो सीख रही हूँ मैं इनसे, लेकिन मैं कुछ और सीख ये भी रही हूँ कि आप देखिए सर्विंग किस तरह से करें। हालांकि मैं इनसे पूछती जा रही थी, मैंने कहा ये बोल किसके सूप के ले लें किसके ले लें, तो कहती नहीं 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 सूप के नहीं, ये सूप के बोल। हाँ, तो आप ये देखें बड़ी अच्छी सर्विंग भी आपको बता रही है, सॉसेस किस में सर्व किया है, और वो तो देखें क्या गजब का, आप लोगों ने शायद पहले देखा होगा, शायद इन्होंने यूज़ किया होगा, लेकिन क्या इनके माइंड में आइडिया आया कि जी बेलन को ही कटिंग करा लें, कार्पेंटर को बुलाएं और बोले जी ऐसा स्टाइल मुझे चाहिए और ऐसे सर्व कर लें घर में ही जबरदस्त। होता क्या है कि चीजें तो वही होती हैं जो हमने ये बनाई है, चने भी वही है, चटनी है, कबाब, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा आप डिफरेंट कर दें तो एक लुक जब आती है तो आपको दिखने में अच्छी भी लग रही, जो लगी रही होती है, लेकिन खाने में आपको मज़ा आता है उन चीज़ों में, कि आपका दिल चाह रहा है, मेरा बिल्कुल दिल चाह रहा है कि जल्दी से कैमरा ऑफ हो, मैं कोई ना कोई चीज़ इसमें टेस्ट करके देखूँ कि वो कैसी बनी है। अरे वाह, तो कैमरा ऑफ ही करवा दे चलें, ताकि आपा का जो दिल कर रहा है वो पूरा हो जाए जी टेस्ट करने का। और मैं तो अपने टेस्ट कर चुकी हूँ, बस चने रह गए, वो ट्राई करूँगी, फिर कल आपको इसका भी बताऊँगी फीडबैक। इजाज़त लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह कल इजाज़त ले लेना या और बातें करना थोड़ी सी। अच्छा जी, तो इजाज़त देते हैं, कल मज़ेदार से पराठे और साथ में और भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि नान पराठा वीक तो ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर इतनी चीज़ें साथ साथ ऐड की कि आपको कंप्लीट टेबल भरी हुई आपको नज़र आ रही है, पूरा कंप्लीट मील आप आपके सामने सर्व कर रही हैं खूबसूरती के साथ। तो जी इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात करते हैं मज़े की रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।